चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंटीजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपके आने वाली क्लासेस में ये बहुत काम आने वाला है, राइट? तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटीजर, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन पे, थर्ड पढ़ेंगे कि इन इंटीजर्स का प्रोड्यूसर और सक्सेसर कैसे निकालते हैं, फिर दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स की, इंटीजर्स किसे कहते हैं हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, राइट? और नेचुरल नंबर हमें पता है वन से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, और हमें पता है वो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री एंड सो ऑन, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर्स तो होते ही होते हैं और नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं लेकिन होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर्स आते हैं नेक्स्ट, जो जिसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है, राइट? तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो वन टू थ्री, ये सारा नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है होल नंबर में। अब लास्ट आता है हमारा इंटीजर्स, नेक्स्ट इज इंटीजर। अब देखिए हमें पता है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, होल नंबर में जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, इंटीजर्स बन जाती है। तो इंटीजर्स कोई पॉजिटिव वैल्यू भी कहला सकती है और कोई नेगेटिव वैल्यू भी, तो यहां लिख देती हूं नेगेटिव वैल्यूज, राइट? ये पॉजिटिव वैल्यूज तो इंटीजर में है ही और नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड करके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं, राइट? एग्जाम्पल्स देखते हैं अब इंटीजर्स के, एग्जाम्पल देखिए -5, -6, -9, +9, +2000, ये सारी वैल्यूज क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, वो क्या बन जाता है हमारा, इंटीजर बन जाता है, राइट? तो हम कह सकते हैं इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कौन कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज प्लस नेगेटिव वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाए हुए हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं, दोनों जब होती हैं, राइट? अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब हमें पता है नंबर लाइन कैसे बनती है, ये हम अपने पहले की क्लासेस में भी, लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं। तो देखिए हमें पता है मिड में जीरो होता है, अब जीरो के राइट हैंड साइड पे हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो यहां लिख रही हूं मैं, इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, राइट? अब ये कैसे स्टार्ट होती हैं, देखिए जीरो के बराबर पॉजिटिव वाली साइड में इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे कितनी भी लंबी कर सकते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे, ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जीरो के पास -1, फिर -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कितनी भी बड़ी नंबर लाइन आप बना सकते हैं। तो ये हो गई जीरो के
राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, राइट। अब हमें अगर मार्क करना है पॉजिटिव टू, देखिए अब अगर हमें मार्क करना है प्लस टू, तो कहाँ पॉइंट आएगा प्लस टू? ये नंबर लाइन दोबारा बना लेते हैं, तो देखिए ये नंबर लाइन आ गई है। अब प्लस वाली वैल्यूज किस साइड होती है? जीरो के इस साइड वाली। तो ये क्या है यहाँ पे? प्लस टू मीन्स टू पॉइंट्स इधर जाने, वन एंड टू। तो ये आ गया हमारा, देखिए वन एंड टू, तो ये क्या आ गया हमारा? प्लस टू वाला पॉइंट। अब इसी तरीके से हमें मार्क करना है, मान लीजिए माइनस थ्री, तो कैसे मार्क करेंगे? देखिए फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी, ये नंबर लाइन आ गई है। अब माइनस का थ्री है, माइनस का मतलब नेगेटिव साइड जाना है अब हमें, मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, और थ्री का मतलब थ्री पॉइंट जाना है। तो देखिए नेगेटिव साइड थ्री पॉइंट जाना है, वन टू एंड थ्री, तो इसका मतलब हमारा माइनस थ्री कहाँ आ गया? ये आ गया, राइट। ये तरीका है कि कैसे हम नंबर लाइन पे वैल्यूज प्लॉट करते हैं, राइट। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर। अब देखिए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे प्रोड्यूसर में प्री लग रहा है, मतलब पहला नंबर, इसका मतलब छोटा नंबर, राइट। प्री मीन्स छोटा, स्मॉल, तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्री मीन्स स्मॉलर, जो भी नंबर आप देख रहे हैं उसका स्मॉलर। और सक्सेसर, नेक्स्ट है सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर, बड़ा नंबर, तो यहाँ पे लिख देती हूँ बिगर, सक्सेसर का नंबर बिगर, सक्सेसर का मतलब बिगर नंबर हमें निकालना है, राइट। अब हम देखते हैं कौन सा बिगर होता है और कौन सा स्मॉलर होता है। अगर मैंने कहा कि हमें थ्री का सक्सेसर निकालना है, तो क्या होगा? थ्री का सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर के लिए एस लिख रही हूं। हम अगर नंबर लाइन देखें तो कौन क्या आएगा? नंबर लाइन बना लेते हैं, ये देखिए ये आ गई हमारी नंबर लाइन। अब हमें थ्री का सक्सेसर निकालना है, तो थ्री कहाँ आएगा? ये देखिए वन टू थ्री, थ्री का सक्सेसर, थ्री से बिगर नंबर, तो इसका मतलब सक्सेसर का मतलब सक्सेसर में हम क्या करते हैं? प्लस वन कर देते हैं, और स्मॉलर में माइनस वन कर देते हैं, ये याद रखिएगा। तो थ्री थ्री यहाँ है, राइट। तो देखिए वन टू थ्री, अब थ्री में प्लस वन किया तो प्लस वन इधर जाता है, प्लस हमेशा पॉजिटिव नंबर प्लस करेंगे तो इधर जाएगा, और नेगेटिव माइनस करेंगे तो इस साइड चलेगा, राइट। तो अब हमें प्लस वन किया तो हमारा नंबर कितना आ गया? फोर। तो सक्सेसर कितना आ गया है थ्री का? फोर। अब इसी तरीके से अगर हमें प्रोड्यूसर निकालना है थ्री का, तो कहाँ आएगा? देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ थ्री का प्रोड्यूसर, पी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? थ्री में माइनस वन कर देंगे, तो फिर से अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। अब हमें थ्री का प्रोड्यूसर निकालना है, तो थ्री देखिए कहाँ आया था? वन टू थ्री, पॉजिटिव थ्री था तो पॉजिटिव साइड गए, तो ये आ गया थ्री। अब हमें इसका प्रोड्यूसर निकालना है, प्रोड्यूसर का मतलब एक कम कर देना, तो यहां से यहां आ जाएगा, तो प्रोड्यूसर कितना आ गया? टू। तो हमने लिख दिया थ्री का प्रोड्यूसर है टू। तो ये था तरीका हमें प्रोड्यूसर और सक्सेसर पॉजिटिव वैल्यूज का निकालना। अब इसी तरीके से हम देखेंगे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका सक्सेसर और प्रोड्यूसर कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सक्सेसर निकालना है माइनस फोर का सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स एस, एस लिख रही हूं, सक्सेसर के लिए पी लिखा था प्रोड्यूसर के लिए, तो माइनस फोर का सक्सेसर निकालना है, तो हम फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं नंबर लाइन के थ्रू समझा रही हूं, तो प्लीज ध्यान से इसलिए समझिएगा। आरएस अग्रवाल के लिंक्स आपको मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज आप वहां से किसी भी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, और मेरी साइट www.elearnmaths.bhi पर भी चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो। देखिए अब हमारा माइनस फोर है, तो माइनस फोर किधर है? माइनस की साइड इधर, और फोर पॉइंट्स आगे मूव करना है, वन टू थ्री एंड फोर। अब हमें सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर में हम क्या करते थे? प्लस वन करते थे, अगर आपको याद हो तो। देखिए सक्सेसर में हम प्लस वन करते थे, तो क्या करेंगे
हम इसमें प्लस करेंगे। तो प्लस के लिए हमारी पॉजिटिव वैल्यूज किधर होती हैं? इधर होती हैं। तो हम प्लस अगर करना है तो इधर मूव करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, और अगर माइनस करना है तो हम इधर मूव करेंगे, राइट। तो अब हमें प्लस वन करना है, तो प्लस के लिए अब हम इधर मूव करेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? -3 आ जाएगा, मतलब -4 का सक्सेसर हमारा कितना आ गया? -3। फिर से बता रही हूं, माइनस की वैल्यूज इधर होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज इधर होती हैं। अगर हमें किसी भी वैल्यू में प्लस करना है तो हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, और अगर हमें किसी भी वैल्यू में माइनस करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो अब हमें सक्सेसर निकालना था -4 का, तो सक्सेसर का मतलब है प्लस करना है 1, तो हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, तो ये आ गया हमारा -3। अब इसी तरीके से हमें अगर -4 का प्रेडिसर निकालना है तो कैसे, कहाँ मूव करेंगे? प्रेडिसर निकालने के लिए, प्रेडिसर का मतलब हमें माइनस करना है, तो इसका मतलब माइनस के लिए हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो पहले -4 मार्क कर लेते, फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। देखिए सबसे पहले हम 4 माइनस का मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, माइनस का 4 मार्क हो गया। अब हमें प्रोड्यूसर के लिए माइनस करना है 1, तो माइनस का केस किधर होता था? हमें लेफ्ट साइड मूव करना होता था, तो हम इधर की साइड मूव करेंगे। तो हमने 1 माइनस करने के लिए हमने एक पॉइंट लेफ्ट साइड मूव किया, तो कितने पे लाइक किया? -5 पे। तो हमारा -4 का प्रोड्यूसर कितना आ गया? -5 आ गया, राइट। तो अब हमें पता चल गया कि प्रोड्यूसर और सक्सेसर के केस में अगर हमें प्लस करनी है वैल्यूज तो हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड तरफ मूव करते हैं, और हमें अगर माइनस करनी होती है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कौन सा नंबर बिगर है, राइट। तो अब देखिए, अगर मैं कहती हूं -15 बिगर है या -13, तो आप कहेंगे -15 बिगर है। क्यों? क्योंकि 15 तो बड़ा होता है 13 से। लेकिन आप रॉन्ग होंगे, -13 बिगर होगा। क्यों बिगर होगा वो बताती हूँ। देखिए नंबर लाइन पे, अब पहले नंबर लाइन बना देते हैं, ये हमारी नंबर लाइन पे है, और नंबर लाइन में हमें पता है ये 0 होता है, यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ -1, -2, राइट। ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज जितनी 0 से दूर होती चली जाएगी उतनी बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज जितनी 0 से दूर होती चली जाएगी उतनी छोटी, ऑपोजिट हो जाएगा इसका, इधर वाली साइड का, उतनी छोटी होती चली जाएगी, राइट। फिर से बता रही हूँ, जितनी दूर होती चली जाएगी 0 से नेगेटिव वैल्यूज उतनी स्मॉल होती चली जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू जितनी दूर जाएगी 0 से उतनी बिग होती चली जाएगी, राइट। तो अब आप देखिए, अगर हम इस नंबर लाइन पे -13 और -15 मार्क करते हैं, मान लीजिए -13 यहाँ आया तो -15 यहाँ आएगा, तो 0 से ज्यादा फर्क कौन सी है? 0 से ज्यादा दूर -15 है, तो इसका मतलब -15 और स्मॉलर हो गया, किससे? -13 से। तो इसका मतलब -13 इज बिगर देन -15। फिर से बता रही हूँ, 0 के जितना दूर नेगेटिव वैल्यूज जाएंगी उतनी स्मॉलर हो जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज जितनी 0 से दूर जाएंगी उतनी बिगर हो जाएंगी। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे का, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग ऑफ इंटीजर्स। एडिंग ऑफ इंटीजर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लास 10th और आगे भी काम आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा कि एडिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। एडिंग ऑफ इंटीजर्स का मतलब है किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करना, तो ऑब्वियसली अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, हमें 5 + 3 करना है। अब आप देखिए, दोनों प्लस के हैं, तो जब भी दोनों प्लस के होते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं। 5 + 3 ऐड 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, तो 8 लिख दिया। अब दोनों के साइन प्लस था तो प्लस ही आ जाएगा,
एडिंग के केस में। अब अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो क्या होगा, दोनों का साइन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, -5 -3। अब दोनों का साइन माइनस है, अगर दोनों का साइन प्लस है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन प्लस का लग जाएगा। अगर दोनों का साइन माइनस है तो भी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या था, माइनस का था। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का साइन माइनस था तो माइनस लग गया, और 5 + 3 8 हो गया। मतलब इससे हमने क्या सीखा, दोनों सेम साइन की वैल्यूज होती हैं तो वही ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन जो उनके साथ लगा हुआ होता है वो लग जाता है। लेकिन अब अगर दोनों सेम साइन की हैं तो बात समझ में आती है, ऐड हो गई। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट साइन की हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए अब माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल। अब दोनों माइनस की भी नहीं है, दोनों प्लस की भी नहीं है, अब एक माइनस की एक प्लस की है। अब बड़ी वैल्यू माइनस की है और छोटी वैल्यू प्लस की है, तो क्या करेंगे, अब जब भी ऐसा आता है कि एक वैल्यू माइनस की होती है और एक प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 में से 3 गया 2, और साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का लगता है। बड़ी डिजिट क्या है, बड़ी वैल्यू 5 है, तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। राइट, फिर से बता रही हूं, अगर दोनों ऑपोजिट साइन की वैल्यूज होती हैं तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस हो जाती है और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, अगर 5 है और माइनस का 3 है, तो देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2, और क्योंकि 5 प्लस का था तो यहाँ पे भी प्लस हो गया, कोई साइन नहीं लगा। अब अगर मैं कहती हूं फिफ्थ एग्जाम्पल, 3 - 5 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए अब एक प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, जहां कुछ नहीं लिखा होता है दैट मीन्स प्लस साइन। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 3 क्या है 2, और क्योंकि 5 माइनस का था, क्योंकि 5 के आगे माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। राइट, तो ये था ऐड करने का तरीका कि इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स को कैसे आपस में ऐड किया जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं नंबर लाइन के थ्रू कैसे ऐड करते हैं। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऊपर वाला, 5 + 3 करना है, तो हम नंबर लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है दोनों प्लस की हैं तो प्लस की साइड वैल्यू ज्यादा आएंगी, तो आप इसको थोड़ा सा साइड में करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं। राइट, 6 7 एंड 8 एंड 9, और इसी तरीके से -1 -2 -3। अब देखिए 5 कहाँ आएगा, 5.0 से सबसे पहले वाली वैल्यूज लेंगे। राइट, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें क्या करना है, 5 में 3 ऐड करना है, तो हम 3 ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट्स और आके चलेंगे, 1 2 एंड 3, तो कितना आ गया हमारा 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 + 3 का 8 आ गया। ये दोनों प्लस की कंडीशन में थी। राइट, अब अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दोनों माइनस की वैल्यूज हो, -5 -3, तो कैसे करेंगे, फिर से नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं अपनी। अब हमें पता है दोनों माइनस की वैल्यूज है तो माइनस वाली साइड एक्सटेंड हो जाएगी, तो हम प्लस की वैल्यूज कम लिख लेंगे, तो यहाँ 0, यहाँ 1 7 8, बाद में देख लेंगे अगर हमें एक्सटेंड करनी पड़े। अब देखिए माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 किस साइड होता है, नेगेटिव वैल्यूज इस साइड होती हैं। राइट, तो हम नेगेटिव साइड 5 पॉइंट जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब आगे -3 है, तुम आपने अगर सक्सेसर और प्रेडिसर देखा होगा इंट्रो में, तो हम माइनस के लिए लेफ्ट साइड मूव करते थे और प्लस करने के लिए हम राइट हैंड साइड मूव करते थे। राइट, तो अब -3 है तो हमें किस साइड मूव करना होगा,
लेफ्ट साइड मूव करना होगा। तो हमने थ्री पॉइंट्स लेफ्ट की इस तरफ मूव किया, वन टू एंड थ्री, तो कितना आ गया हमारा आंसर माइनस का एट। तो हमारा माइनस फाइव और माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एट। इसका मतलब अगर दोनों प्लस की हैं तो प्लस की साइड आएगा आंसर, दोनों माइनस की हैं तो माइनस की तरफ आएगा। लेकिन अगर एक प्लस की और एक माइनस की है वैल्यू तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है हमें प्लस का फाइव माइनस का थ्री, तो कितना आएगा। तो देखिए हमारा ये आ गया नंबर लाइन, अब नंबर लाइन लिख लेते हैं जीरो वन। अब पहली वैल्यू है फाइव, प्लस का है तो प्लस की साइड फाइव पॉइंट्स मूव करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, राइट, फाइव मूव किया तो यहां आ गया। अब माइनस थ्री करना है, माइनस के लिए हम कहां मूव करते थे, अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करते थे। तो कैसे मूव करेंगे, देखिए फाइव से मूव करेंगे, वन टू, क्योंकि थ्री है माइनस का तो थ्री ही पॉइंट्स मूव करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा टू। तो हमारा आंसर आ गया प्लस का टू इज द आंसर, क्योंकि ये प्लस का था इसलिए प्लस का टू इज द आंसर। अब अगर इसका उल्टा होता है तो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट है अगर हमारा माइनस का थ्री प्लस का फाइव, तो ये कैसे मार्क करेंगे। अब देखिए फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी माइनस सिक्स। अब देखिए पहली वैल्यू है माइनस का थ्री, तो कहां प्लॉट होगा, माइनस की साइड में थ्री पॉइंट्स चलना होगा हमें इसका मतलब, तो वन टू एंड थ्री, ये आ गया माइनस का थ्री। अब वो बाद में कह रहा है प्लस फाइव, तो प्लस की वैल्यू के लिए हमें किस साइड चलना होता है, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना होता है, और प्लस का फाइव है तो इसका मतलब फाइव पॉइंट्स राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना होगा। तो फिर से वापस वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो कितना आ गया टू। तो हमें पता चल गया माइनस थ्री और प्लस का फाइव आंसर कितना आया टू। तो ये था तरीका नंबर लाइन पे प्लॉट करने का। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर हमें माइनस फाइव करना है माइनस प्लस थ्री में तो क्या करेंगे। अब देखिए ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, अगर उससे पहले साइन है और ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब हमें पता है प्लस होता है। तो मैं यहाँ छोटा सा प्लस लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं था। अब जब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो हम साइन की साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो प्लस ही आएगा, और अगर ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस ही आएगा, राइट। अब देखिए सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होता है, और ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है, राइट। अब देखिए यहां पे अगर मैंने आपको बताया ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, अंदर एक साइन है और बाहर एक साइन है, तो साइन की साइन में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस फाइव तो एज इट इज, और क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो मेरे को पता है क्या आएगा माइनस का ही थ्री आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन में माइनस आता था तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। अब दोनों माइनस के हैं तो हम कैसे नंबर लाइन पे शो करते थे, नंबर लाइन बनाते थे और नंबर लाइन बनाई। अब माइनस का फाइव हमें पता है फाइव माइनस की साइड फाइव पॉइंट्स मूव करना है, तो हमने मूव किया वन टू थ्री फोर फाइव, और अब हमें माइनस का ही थ्री करना है, तो माइनस हम लेफ्ट साइड मूव करते थे इसका मतलब, तो हमने माइनस फाइव से लेफ्ट साइड मूव किया थ्री पॉइंट्स, तो कितना आ गया हमारा आंसर माइनस का एट। तो ये आ गया हमारा माइनस का एट।
सिंपली हमें क्या करना होता है, माइनस के केस में हम जो ब्रैकेट के थ्रू क्या करते हैं, दो साइन की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक साइन बना देते हैं। अब बाकी तो हमने जो एडिशन के केस में किया था वही सेम केस है कि दोनों माइनस के हैं तो नेगेटिव साइड वैल्यू चलेगी, दोनों प्लस के हैं तो पॉजिटिव साइड वैल्यू चलेगी, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो माइनस करने के लिए हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे अपना कर्सर, और अगर पॉजिटिव प्लस करना है हमें तो राइट हैंड साइड मूव करेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम इसको। एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 माइनस माइनस 4। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 तो एज इट इज आ गया ये वाला। अब हमें पता है सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है, और 4 एज इट इज। अब हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं कैसे प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो यह क्या 0 माइनस 4। अब देखिए प्लस का 3 है प्लस का 4 है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस साइड मूव करेंगे, तो 3 पहले 3 मूव करेंगे और फिर 3 मूव किए, अब 4 मूव्स करने हैं, 1 2 3 4, तो कितना आ गया हमारा आंसर 7, तो 7 आ गया हमारा आंसर। तो ये था तरीका एडिंग और सब्ट्रैक्शन करने का इंटीजर्स का नंबर लाइन पे। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज।